सागर के सिलवानी स्टेट हाईवे जयसिंहनगर के पास हिरनखेड़ा गांव के पास डंपर और बस के बीच में भिड़ंत हुई है, जिसमें जो है हम आपको बता दें डंपर ने इतनी जोरदार टक्कर मारी है कि यहां पर 24 लोग जो है घायल हुए हैं। यह मामला जो है जयसिंहनगर के हिरनखेड़ा गांव के सामने का है, जहां यहां पर बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें हम आपको बता दें कि इस घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। मृतक हैं संतोष नाथ ग्राम झीला थाना राहतगढ़, वहीं पर हम आपको बता दें दूसरे रामा पटेल उम्र 70 बस गेहूरा जयसिंहनगर बताई जा रही है। और यहां पर घायलों की अगर बात की जाए तो घायलों का भी हम यहां पर नाम आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यहां पर 12 यात्री जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इनका इलाज बुंदेलखंड मेडिकल में चल रहा है। यह भीषण टक्कर उस समय पे हुई जब भोपाल से जयसिंहनगर की ओर आ रही बस में जोरदार टक्कर जो है डंपर ने मारी है। और यह सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, यहाँ पर जो है बचाव का कार्य जारी रहा, वहीं पर जो है और लोगों ने जो है मदद करके लोगों को निकाला है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी घटना के बाद अस्पताल पहुँचे हैं। उन्होंने जो है जो घायल हुए गंभीर रूप से उनके लिए इलाज के लिए प्राथमिकता से उनकी जो है दवाई हो सके उसके लिए प्रारंभ कर दी है और वह भी स्वयं अस्पताल पहुंचे हैं। यह दुर्घटना गंभीर दुर्घटना है, जहां 24 यात्री सवार थे, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें जो है 2 यात्रियों की यहां पर जो घटना स्थल पर मौत हुई है और 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 24 का इलाज जो है बुंदेलखंड मेडिकल में अलग अलग जगहों पर चल रहा है। यह सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आ रही है सामने। अभी मुझे अभी 1 घंटे पहले पता लगा कि जयसिंहनगर के पास हिरनखेड़ा गांव है, वहाँ एक डंपर और बस का एक्सीडेंट हुआ है। बस भोपाल से आ रही थी, एक व्यक्ति के ड्राइवर के मृत होने की खबर है। ठीक है, दो एक सवारी एक सवारी है, एक व्यक्ति ड्राइवर और एक किसी व्यक्ति की मृत होने की मुझे जानकारी दी गई। बाकी लोग जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है। सारा प्रशासन और हमारे सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हमारा पहला काम ये है कि जो लोग घायल हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, सुरक्षित अपने घर जा सके। सभी के लिए, घायलों के लिए स्पॉट जहां घटना घटी है वहां के बाद अस्पताल लाया गया है और BMC अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री से कल बात भी करूँगा, घायलों के लिए और जो मृतियों के लिए जो भी संभव होगा सरकार की तरफ से मदद भी दिलाने का प्रयास करूँगा। घायल 14 लोग आए थे, 2 लोगों की अभी मुझे बताया गया डॉक्टर के द्वारा उनकी मृत्यु हो चुकी है।
बाकी 12 लोग घायल हैं, एक उसमें थोड़ा गंभीर है, बाकी लोग ठीक स्थिति में हैं और डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, घायलों के लिए मिलेगी, मेरे परिवार के लिए मिलेगी। मैं इसकी घोषणा कल इसकी मदद करने का प्रयास करूँगा।